वेलकम बैक टू अनदर गेम वीडियो। तो जैसे आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्मॉल हाउस कैसे बनाए मॉडर्न, वो भी। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ यार। तो ये है मेरे विलेज में, जो पता नहीं मैंने आपको दिखाया ही नहीं। ये मेरा एक ये है लामा जिसका नाम है उल्टी। और मैं आपको मेरे दो घोड़े दिखा देता हूँ, एक का नाम है बिजली, एक का नाम है तूफान। आप देख सकते हो उनका नाम रखा भी है मैंने, तूफान ये है और मेरी बिजली है। तो अभी जैसे वीडियो का नाम है मैं आपको दिखाऊंगा है मॉडर्न हाउस बनाएंगे कैसे। पहले हम एक फ्लैट सरफेस ढूंढते हैं इसके लिए। किधर बनाए, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बनाया तो बहुत अच्छा है वैसे भी। के अलावा ये ब्लॉक्स लगा देते हैं इसके ऊपर, क्या पता कैसे आग लग गई। सो गाइस यहाँ पर ये मिट गया है ऑलमोस्ट, इतनी जगह में हम बनाएंगे घर। तो अब मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि मतलब ये घर के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है। सो ये घर के लिए हमें लगेगा ओकवुड प्लैंक, फिर हमें लगेगा ग्रास ब्लॉक, फिर फेंस लगेगा हमें, उसके बाद ये नॉर्मल चीज़ है। फिर हम स्मूथ क्वार्टर्स भी ले लेते हैं, जरा स्मूथ क्वार्टर्स ले लिया। फिर हमें स्लैब्स लेने हैं, स्लैब्स में भी ओकवुड के स्लैब्स ही लूँगा मैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। और अभी हम लेंगे स्टेयर्स, तो स्टेयर्स मैं तो सोच रहा हूँ कि स्मूथ क्वार्टर्स के स्टेयर्स ले ले। तो रुको गाइस, पहले मैं इसे फिल कर देता हूँ पूरा, क्योंकि वो मॉडर्न हाउस स्मॉल है बढ़ाना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे बनाना है। और गाइस मुझे लगता है कि गारंटी आपको घर बिल्कुल पसंद आएगा। पहले ये आग मिटाते हैं। चली गई आग। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो मॉडर्न हाउस होगा, इसे हम यहाँ से स्टार्ट करते क्योंकि ये मॉडर्न है और स्मॉल है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर स्टेयर से शुरू करते हैं हम, ऑलमोस्ट इतने स्टेयर्स तो लगेंगे ही, फिर पीछे का बाद में तोड़ दूंगा मैं। तो अभी हमें करना है कि ये जो ओकवुड प्लैंक मैंने आपको बताए थे इसे लगाना है ऐसा। और भाई ये एकदम मॉडर्न हाउस जैसे मैंने आपको बोला, एकदम मॉडर्न और एकदम ये रहने वाला है, क्या बोलते हैं उसे, लग्जरियस, एंजॉय आप बहुत करोगे इसमें। जो ओकवुड प्लैंक वाला रहता है ना, आप सोच होंगे कि मतलब इतना क्रिएटिव में खेल रहे हो फिर भी इतना सा मतलब ओकवुड प्लैंक, पर जो इसका टेक्सचर है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप इसके अलावा और कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बनाना है। अभी हमें ये बनाना है बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब ये तो नॉर्मल हो गया, तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो यही अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो गाइस बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। और हाँ गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा हो गया। मैंने यहाँ पर ये लगाया है, फिर नीचे लगाया है, और आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेयर्स है। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, मेरे पास दो अच्छे एकदम ऑप्शंस है, तो मैं उनमें से कुछ भी एक करूँगा। आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो, मतलब ये जो डिज़ाइन है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अरे गाइस हो गया, अभी हम ग्लास पेन लेते हैं। अभी हमने ग्लास पेन ले लिया है,
वो भी जो नीचे वाला जो पार्ट है ना वहाँ पे हम ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये परफेक्ट फिट हो रहा है, गर्मी होगी इसलिए। और सभी हम लोग ग्लास सर्च करते, आपको मालूम होगा वो झाड़ा वाला ग्लास आता है और ये वाला ग्लास, तो मुझे ये वाला ग्लास काफ़ी अच्छा लगता है, क्यों पता नहीं पर अच्छा लगता है यार। तो अभी हमारा इतना हो गया है, अभी हमें चाहिए स्लैब्स। स्लैब भी हम स्मूथ कॉटर्स के ही लेंगे क्योंकि घर भी उसका ही बना है। ये बार बार मैसेजेस आते रहते हैं। तो गाइस ये पूरा रूफ खत्म होने के बाद मैं वीडियो प्ले करूँगा। सो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था, ऊपर का रूफ टॉप पूरा कंप्लीट होने के बाद हम मतलब मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा रूफ टॉप भी कंप्लीट हुआ है। तो अभी जो ये अभी जो चीज़ें हमारे पास थी हम उन सबको अंदर डाल देते हैं। फेंस लगेगा बस हमें, क्योंकि वो बहुत मेन है, मतलब इसके लिए तो बहुत मेन ही है ऑलमोस्ट। हाँ तो अभी हम लेंगे, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी हमें हमारे घर को सिक्योर रखना है, इसलिए डोर तो मैं मेंशन नहीं करूँगा पर चलेगा। डोर ले लेते हम, कौन सा ले फिलहाल, ये अच्छा लग रहा मुझे। अरे ओक डोर लेते हैं। फिर हम लेंगे लैंटर्न, ये लैंटर्न ले लिया है। और सोच रहा हूँ हम क्या ले, बेड तो चाहिए ही। फिर ये ब्लैक बेड लगेगा, एक येलो बेड। फिर ये लेने के बाद अभी हम क्या ले, फर्न ये लेते हैं। और गाइस अभी आप कभी भी ब्लास्ट फर्नेंस, मतलब शायद से मैंने मेरी पिछली कोई भी वीडियो में शायद से डाला होगा, पर वो कभी कभी ब्लास्ट कभी कभार ब्लास्ट हो जाता है सर्वाइवल में। अभी हम लेंगे क्राफ्टिंग टेबल के बाद बैरल बैरल और चेस्ट। भाई मतलब सब कुछ फिट हो गया। ये चेस्ट हमने ले ली। ओ चेस्ट हम, अरे इधर आ। हाँ ये भी हमारे पास आ गया है सब कुछ। अभी यहाँ पर हम, अरे यार किधर भी लग जाते हैं लैंटर्न। थोड़े लैंटर्न लगाएंगे, और आपको मालूम होगा कि इस गेम में टॉर्च नाम की भी चीज़ होती है, तो हम टॉर्च नहीं लगाएंगे क्योंकि जैसे वीडियो का ही नाम है यार, वीडियो का नाम ही है मॉडर्न हाउस, तो मॉडर्न हाउस में कैसे टॉर्च अजीब लगता है ना। नहीं मैं बीच में नहीं लगाती, टॉर्च अजीब लगता है मॉडर्न हाउस में। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है बाहर से, ये लैग क्यों रहा है यार। हाँ ठीक हो गया। अरे गाइस जो ये लैग हो रहा है बीच बीच में क्यों पता नहीं, तो जरा अभी इसका लैगिंग ठीक करवाता हूँ, उसके बाद वीडियो पॉज करूँगा मतलब चालू करूँगा।